हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन टू डिजिटल वैज्ञानिक माई सेल्फ मानविंद्र चौधरी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट पर विजिटर काउंटर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप हमारी वेबसाइट पर फिलहाल देखें कि हमारी डिजिटल वैज्ञानिक जो लोकल होस्ट के ऊपर है उसमें आप देखेंगे कोई भी इस तरह का विजिटर काउंटर नहीं है। हमारे पास हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं इसका कोई भी गिनती नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आते हैं कितने मतलब अवेलेबल रहते हैं वो सब अपनी वेबसाइट पर आप शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक विजिटर काउंटर प्लगइन की जरूरत होती है। वो काम प्लगइन के थ्रू होता है। ये सिस्टम आपकी वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता, यानी कि इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्लगइन डालना पड़ेगा आपकी वेबसाइट में। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह की आगे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। एडमिन डैशबोर्ड में आने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक प्लगइन सर्च कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लगइन अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ WP विजिटर काउंटर। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपके कौन कौन से विजिटर काउंटर हैं। फिलहाल मैं ये वाला विजिटर काउंटर यूज़ करने वाला हूँ, WPS विजिटर काउंटर, जो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये हमको कुछ इस तरह का दिखता है WPS विजिटर काउंटर। और इतना नेम मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली अब मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सिंपली प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ही डायरेक्टली डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर अपने एडमिन में अपलोड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर सिंपली प्लगइन लाइब्रेरी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली प्लगइन लाइब्रेरी में आ जाता हूँ अपने एडमिन पर क्लिक करने के बाद। प्लगइन लाइब्रेरी में आने के बाद सिंपली आपको वो नेम मैंने जो कॉपी किया था WPS विजिटर काउंटर प्लगइन, इसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर हमारा अवेलेबल हो जाएगा। आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि ये यही वाला है। तो सिंपली हम देखते हैं, हाँ यही वाला है। तो सिंपली इसको मैं सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा WPS विजिटर काउंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट इसे प्लगइन को कर देना है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट एक बार हो जाए उसके बाद की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना रहता है। तो एक बार एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर वो प्लगइन के जो इंस्टॉल प्लगइन है वहाँ पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको WPS यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं WPS विजिटर काउंटर और ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में आ जाना है। अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले तो साइड बार में देखना है कि क्या आपको WPS वाला ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इससे मतलब हमारा सेटिंग के अंदर WPS वाला दिखेगा। तो जैसे ही आप सेटिंग पर होवर करेंगे वहां पर नीचे आपको WPS काउंटर करके एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली उसको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो आपको WPS काउंटर की सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप WPS पर दिखेंगे आपको कुछ इस तरह की सेटिंग देखने को मिलेगी। आपको सिंपली नीचे आ जाना है और उसमें से चूज काउंटर, आप इनमें से कौन सा काउंटर चूज करना चाहते हैं वो आपको अपने थीम के हिसाब से रख लेना है। तो एक बार मैं आपको अपनी थीम दिखा देता हूँ कि किस तरह की है। देखिए यहाँ पर सिंपल हमारी थीम है ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की, और अगर आपकी कोई कलरफुल थीम है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर चूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली रिकमेंड करूँगा कि इस तरह से कोई आप स्टैटिक ही थीम लीजिए, स्टैटिक ही काउंटर लीजिए। आप इस तरह से लेंगे तो उसमें आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट काम करती है। तो सिंपली मैं कोई बढ़िया सा एक सिंपल सा एकदम थीम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ और मुझे ये वाला काउंटर अच्छा लग रहा है तो सिंपली मैंने ये वाला काउंटर सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको कोई और भी अच्छा लगे आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये भी अच्छा है। तो सिंपली मैंने मेरे जो पसंद का था उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एक बार मैं साइड में भी आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक टाइटल दे देना है कि क्या आप इसमें क्या टाइटल दिखाना चाहते हैं। मैं इसको और विजिटर ही रहता हूँ और यूज़र काउंटर स्टार्ट, काउंसलर हमारा 1 से स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि काउंसलर हमारा 0 से स्टार्ट हो, फिर री स्टार्ट 0 से इनेबल। इसको आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है प्लग इन अलाइन, और यहाँ पर आपको कोई और ज़्यादा से छेड़छाड़ नहीं करनी द वे यूज, और यहाँ पर भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सिंपली यहाँ से आपको एक बार सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे आपको शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। सिंपली एक बार मैं नीचे आता हूँ और देखते हैं कि हमको शॉर्टकट कहाँ दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द वे ऑफ यूज़ दिस शॉर्टकट और यूज़ इन योर रजिस्टर्ड विजिट। तो सिंपली आपको ये शॉर्टकट यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो एक बार मैं इतना सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं।
जो भी हमने अभी अभी शॉर्टकोड कॉपी किया है वो वाला शॉर्टकोड आपको काम तब आएगा जब आप किसी कस्टम पेज के ऊपर या फिर पोस्ट के ऊपर या फिर आप अपने वेबसाइट के डिजाइन में, जैसे कि अगर आप एलिमेंटर से वेबसाइट डिजाइन करते हैं वहां पर आप शॉर्टकोड का ऑप्शन आता है, ब्लॉक क्रिएट करके शॉर्टकोड रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी विजेट में शॉर्टकोड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है शॉर्टकोड के लिए। तो उस शॉर्टकोड को आप यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपली मैं इस शॉर्टकोड को यहाँ से ड्रैग करने के बाद अपने राइट साइड बार में सिंपली प्लेस कर देता हूँ और देयर आर नो ऑप्शन फॉर दिस विजेट, सिंपली डन पर क्लिक कर देता हूँ। और मैं अब यहाँ पर सेव सेटिंग पर होने के बाद यहाँ पर ये सेव सेटिंग हो चुकी है और आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि रिफ्रेश करने के बाद हमारा विजेट विजिटर काउंटर वाला किस तरह से नजर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का काउंटर नजर आता है। ये सारी चीजें क्यों दिख रही है, क्योंकि ये हमने वहां पर इनेबल करके रखी थी। अगर आप चाहें तो इन्हें डिसेबल भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर एक विजिटर अभी अवेलेबल है इसलिए एक विजिटर दिखा रहा है। तो ये सब आपको कैसे हटाना, अगर आप चाहें तो सिंपली इतना ही रहने दे सकते हैं और सिंपली ये सब आपको कैसे हटाना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली आपके फिर से सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपके WPS विजिटर काउंटर के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो जो चीज़ों की जरूरत नहीं है उनको सिंपली आप अनटिक कर सकते हैं। तो सिंपली एक बार मैं नीचे आ जाता हूँ और इनेबल यूजर टूडे डिस्प्ले, आपको सिंपली एक एक चीज़ें यहाँ पर चेक कर लेनी है। अगर आप यूजर टूडे दिखाना चाहते हैं इसे मैं रहने देता हूँ, यस्टरडे रहने देता हूँ, लास्ट 7 डेज, इनको मैं सिंपली आप जो जो चीज़ें चाहें वहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। सिंपली मैं सर्वर टाइम इसे नहीं दिखाना चाहता, IP ये दिन दिखाना चाहता, हुज ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहता, टोटल व्यूज नहीं दिखाना चाहता, टोटल व्यूज डिस्प्ले नहीं दिखाना चाहता हूँ, ओके टोटल व्यूज दिखाना चाहता हूँ, फिर दिस ईयर नहीं दिखाना चाहता, दिस मंथ भी नहीं दिखाने का है, 30 डेज 7, और इस सबको मैं सिंपली डिसेबल करने के बाद सिंपली आपको सिर्फ एक चीज रहने देता हूँ और सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद ये चेंजेस सेव हो चुके हैं और अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कितनी डेटा अवेलेबल रहता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली यूजर टूडे और टोटल व्यूज इतनी चीज़ें यहाँ पर विजिबल रहेंगी। आप यहाँ से चाहें तो अपने हिसाब से आप रखिए, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और जो आप नहीं चाहिए उसे डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बता दिया आप कैसे WPS विजिटर काउंटर की मदद से आपकी वेबसाइट में विजिटर काउंटर लगा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आप इसी तरह के वीडियोस वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।